दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज पेंसिल से कितनी लंबी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टैचू असल में ग्रीन कलर का है ही नहीं? और क्या आपको पता है कि स्वीडन की फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग असल में एक टाइम ट्रैवलर है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचूज में गिना जाता है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर बना हुआ है। इस स्टैचू को फ्रांस के स्कल्पचर फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्टहोल्डी ने बनाया था। ये स्टैचू 46 मीटर्स हाइट का है, और अगर हम ग्राउंड लेवल से देखें तो इसकी हाइट 93 मीटर्स है। असल में ये एक गिफ्ट है जो फ्रांस के लोगों ने अमेरिका के लोगों को दिया था। ये स्टैचू अमेरिका की आज़ादी और दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। इसे 1886 में डेडिकेट किया गया था, और उस समय इसका कलर कॉपर जैसा हुआ करता था, क्योंकि ये स्टैचू कॉपर का ही है। लेकिन 1900 के बाद ये स्टैचू ऑक्सीडाइज हो गया था, जिसके कारण इसका कलर पटीना ग्रीन हो गया। ये जो स्टैचू का कलर आपको दिख रहा है ना, इसे वर्ल्ड ग्रीस कलर कहते हैं। फैक्ट नंबर टू, आपने यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा। इनका असली नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी है, और इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर नाम की जगह पर हुआ था। मतलब फिलहाल उनकी एज 94 ईयर्स की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 2 जून 1953 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी बनी थी, और आज भी हैं। जस्ट फॉर कंपैरिजन, 1953 से अब तक भारत में 14 प्रेसिडेंट्स और 15 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं। इस दौरान अमेरिका में भी टोटल 12 प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। फैक्ट नंबर थ्री, पेंसिल का यूज़ तो हम सभी ने अपने बचपन में किया ही है। कुछ पेंसिल लेड की होती हैं और कुछ ग्रेफाइट की। साइज और थिकनेस के हिसाब से भी मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज पेंसिल से आप कितनी लंबी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक एक नॉर्मल पेंसिल से हम करीब 56 किलोमीटर लंबी लाइन खींच सकते हैं, और इससे हम 45,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। एक नॉर्मल पेंसिल का वेट 6 टू 10 ग्राम होता है, और उसमें 41-68% ग्रेफाइट या लेड हो सकता है, और बाकी का पार्ट वुड या क्ले का बना होता है। फैक्ट नंबर फोर, सेकेंड सेंचुरी बीसी में, मतलब आज से करीब 2200 साल पहले, आज की तुर्की में एक पोंटस नाम का किंगडम हुआ करता था, जहाँ के राजा थे मिथ्रिडेटस सिक्स। राजा को डर था कि उनका कोई अपना उन्हें जहर देकर मार सकता था, इसीलिए वो हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा जहर खाते थे, जिससे कि उनकी बॉडी इम्यून हो जाए। लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी युद्ध में उनके साथ कुछ अजीब हो गया। रोमन सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो दुश्मनों के हाथों मारे जाएं, तो उन्होंने अपने आप को जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्यून हो गई थी कि उन पर जहर का कोई असर ही नहीं हुआ, और आखिरकार वो रोमन सैनिकों के हाथों ही मारे गए। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों, आप ग्रेटा थनबर्ग को जरूर जानते होंगे। स्वीडन की ये 17 साल की लड़की तब सुर्खियों में आई जब इन्होंने 2019 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में स्पीच दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनके बारे में काफ़ी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ग्रेटा फ्यूचर से आई एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए आई हैं। इन बातों ने तब सुर्खियाँ बटोरी जब साल 1898 की एक फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये फ़ोटो कनाडा के यूकॉन टेरिटरी की है। इस फोटो में दिख रहे तीन बच्चों में से एक लड़की बिल्कुल ग्रेटा थनबर्ग जैसी ही दिख रही है। लेकिन इस बात से ये मान लेना कि वो कोई टाइम ट्रैवलर हैं और फ्यूचर या पास से आई हैं, ये सरासर गलत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल फैक्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।